सब्जेक्ट साइंस क्लास फिफ्थ चैप्टर 8 एडेप्टेशन अनुकूलन पार्ट 1 में हमने देख लिया है कि एडेप्टेशन आर बिहेवियर्स और फीचर्स दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म दैट बेस्ट सुटेड टू इट्स वे ऑफ लाइफ। एडेप्टेशन अनुकूलन बिहेवियर्स और फीचर्स मीन्स विशेषताएं हैं जो एक जीव को उसके जीवन के तरीके के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है। नेक्स्ट हमने एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में जाना था। नेक्स्ट हमने फिश के बारे में डिटेल में जान लिया है। नेक्स्ट स्विमिंग के बारे में जाना था। नेक्स्ट हमने डेजर्ट प्लांट्स के बारे में जान लिया है। कैमल्स के बारे में जान लिया है। नेक्स्ट कोल्ड क्लाइमेट के बारे में जाना था। नेक्स्ट माइग्रेशन के बारे में जाना था। नेक्स्ट हमने बर्ड्स के बारे में जाना था। नेक्स्ट हमने हर्बीवोरस के बारे में जाना था। लास्ट हमने कार्निवोरस के बारे में जाना था। यहाँ तक हमने आगे के पार्ट्स में देख लिया है। आज हम बीक्स एंड माउथ्स एंड प्रोटेक्शन के बारे में जानेंगे। द काइंड ऑफ माउथ एन एनिमल हैज इज कनेक्टेड विथ द फूड इट ईट्स। एनिमल एक जानवर के पास जिस तरह का माउथ मुंह होता है वह उस फूड से मींस उस भोजन से क्या होता है कनेक्टेड जुड़ा होता है जिसे वह खाता है। बर्ड्स फॉर एग्जाम्पल हैव बीक्स सुटेड टू देयर फूड। बर्ड्स पक्षियों जो होते हैं तो जितने भी बर्ड्स हैं उनकी जो बीक्स जो होती है उनकी चोंच जो होती है वो क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है सबकी अलग अलग होती है। ऐसा क्यों होता है क्योंकि सब बर्ड जो है वो एक ही तरह का फूड नहीं खाते हैं एक ही तरह का वो भोजन नहीं खाते हैं सब अलग अलग प्रकार के वो खाते हैं। तो वो जिस तरह का फूड खाते हैं तो उसी तरह उसके अनुकूल उनकी क्या होती है बीक्स होती है उनकी चोंच होती है। फर्स्ट पिक्चर को देखिए जो है ईगल का। ईगल जो है वो फ्लैश ईटिंग बर्ड है। फ्लैश ईटिंग बर्ड मीन्स मांस दूसरे एनिमल का जो फ्लैश होता है मांस जो होता है वो खाता है। तो उसके अनुकूल उसकी क्या होती है बीक होती है कि वो फ्लैश को खा सके। सेकंड पिक्चर जो है वो है इंसेक्ट ईटिंग बर्ड हुपो। हुपो जो है वो इंसेक्ट ईटिंग बर्ड है मीन्स कीड़े जो होते हैं वो खाता है। तो उनकी बीक जो है वो कीड़े को खा सके उस हिसाब से उस अनुकूल उसकी क्या होती है बीक होती है उनकी चोंच होती है। थर्ड पिक्चर को देखिए नेक्टर सकिंग बर्ड जो है सनबर्ड। क्या है सनबर्ड? सनबर्ड जो है नेक्टर सकिंग बर्ड मीन्स जूस को मीन्स रस को चूसने वाला बर्ड। सनबर्ड जो है उनकी बीक ऐसी होती है जिससे वो क्या कर सकता है वो आसानी से जूस को चूस सकता है। मॉस्किटोज फ्लाइज बटरफ्लाइज एंड सम अदर इंसेक्ट्स हैव अ प्रोबोसिस और ट्यूब लाइक माउथ दैट हेल्प्स देम ड्रॉ अप लिक्विड फूड। मॉस्किटोज फ्लाइज बटरफ्लाइज एंड सम अदर इंसेक्ट्स मीन्स दूसरे जो इंसेक्ट्स जो होते हैं कीड़े जो होते हैं उसका माउथ जो है वो कैसा होता है प्रोबोसिस मीन्स सूंड की तरह एंड ट्यूब लाइक होता है जिससे वो क्या कर सकते हैं आसानी से लिक्विड को लिक्विड फूड जो होते हैं उसको वो आसानी से ड्रॉ अप मीन्स चूस सकते हैं। प्रोटेक्शन सुरक्षा। जीव जो है उसमें ऐसे कैसे फीचर्स है कैसे विशेषताएं है जिसके थ्रू वो क्या रहते हैं प्रोटेक्ट रहते हैं सुरक्षित रहते हैं। प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज इन वेरियस वेज। प्लांट्स जो है पौधे जो है वो वेरियस वेज मीन्स विभिन्न तरीकों से अपने एनिमीज मीन्स दुश्मनों से वो अपनी क्या करते हैं रक्षा करते हैं। सम हैव थॉर्न्स प्रिकल्स और स्पाइन्स।
कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें क्या होता है प्रिकल्स। फर्स्ट पिक्चर में देखिए कि प्रिकल्स कैसे होते हैं। सेकंड थॉर्न्स मींस कांटे। थर्ड स्पाइंस। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें प्रिकल्स थॉर्न्स स्पाइंस होते हैं जिसके थ्रू वो अपने आप को प्रोटेक्ट सुरक्षित रख सकते हैं। इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं अगर ऐसे प्लांट्स को कोई एनिमल्स उसको खाने के लिए आते हैं तो इस तरह के प्लांट्स को वो नहीं खा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो इस तरह के प्लांट को खाने जाएंगे तो क्या होगा, ये थॉर्न्स प्रिकल्स या स्पाइंस जो है वो उसको चुभेंगे तो वो इस प्लांट्स को खा नहीं पाएंगे। तो इस तरह के प्लांट्स जो है उसमें प्रिकल्स थॉर्न्स एंड स्पाइंस होते हैं जिसके थ्रू वो अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। अदर्स लाइक नेटल्स हैव स्टिंगिंग हेयर्स। ये नेटल प्लांट है जिसमें स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, डंक मारने वाले बाल होते हैं, चुभने वाले बाल होते हैं, जिसको टच करने से क्या होता है, पेन या तो इरिटेशन जलन होती है। प्लांट्स लाइक ओलियंडर मींस कनेर, बनियन, फिग एंड पपैया प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ जूस, अ वेस्ट प्रोडक्ट विच इरिटेट्स द स्किन, सो हर्बीवोरस डू नॉट ईट देम। ओलियंडर मींस कनेर, बनियन, फिग, पपैया, इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं उसमें एक प्रकार का रस, वेस्ट रस मींस वो उत्पादन करते हैं, उसको पैदा करते हैं, जो स्किन को क्या करते हैं, इरिटेट्स परेशान करते हैं, मींस स्किन में क्या होती है, जिससे जलन होती है। इसलिए हर्बीवोरस जो एनिमल्स जो होते हैं वो इस तरह के प्लांट्स को वो नहीं खाते हैं। प्लांट्स लाइक सेक्रेड बासिल मींस तुलसी एंड मिंट मींस पुदीना आर अवॉइडेड बाय एनिमल्स बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, व्हाइल नीम एंड बिटर गोर्ड मींस करेला आर डिसलाइक बिकॉज दे आर बिटर। सेक्रेड बासिल मींस पवित्र तुलसी एंड मिंट मींस पुदीना, ये प्लांट ऐसे है कि जिसमें तेज गंध होती है जिसके थ्रू वो एनिमल से क्या हो सकते हैं, वो बच सकते हैं। नीम एंड बिटर गॉर्ड मींस करेला जो है उसको एनिमल्स जो होते हैं वो उसको डिसलाइक्ड करते हैं, उसको ना पसंद करते हैं, क्योंकि ये नीम एंड करेला जो है वो क्या होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। You already know about some ways in which animals protect themselves. आप पहले से ही कुछ तरीकों के बारे में जानते हैं जिससे एनिमल्स जो है, जानवरों जो है वो खुद की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। Porcupines have quills. Porcupines में क्या होते हैं, quills होते हैं, means porcupines के शरीर पर नकुले कांटे होते हैं जिनसे यह अपनी रक्षा करता है। ये कांटे उसके बाल होते हैं, कांटे सुई की तरह होते हैं जिन्हें क्विल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड स्क्विड्स स्क्वाट एंड इंकी लिक्विड, ये क्या है, स्क्विड है। स्क्विड में ऐसी विशेषताएं होती है कि वो इंकी लिक्विड को छोड़ते हैं, मीन्स उसके फुआरे वो मारते हैं, पिचकारी मारते हैं इनकी लिक्विड का, मींस उसके जो एनिमीज जो होते हैं, उनके दुश्मन जो होते हैं उसके सामने वो स्क्वाट मींस फुहारा मारते हैं, जिसके थ्रू उसमें से जो इनकी लिक्विड निकलता है वो उनके एनिमीज उसके दुश्मन जो होते हैं उसकी आंखों में चला जाता है, तो थोड़ी देर तक उसको दिखाई नहीं देता है, तब तक ये स्क्विड जो है वो भाग जाता है। मींस इसमें इस तरह के फीचर है, इस तरह की विशेषताएं है जिसके थ्रू वो अपने आप को प्रोटेक्ट रख पाते हैं, अपने आप को वो सुरक्षित रख पाते हैं। डियर कैन रन फास्ट। डियर जो है वो रन वेरी फास्ट, वो तेजी से भाग सकते हैं जिसके थ्रू वो अपने एनिमीज अपने दुश्मनों से वो बच पाते हैं।
while rats and rabbits hide in burrows. Rats and rabbits जो है वो अपने enemies, वो अपने दुश्मनों से बचने के लिए वो burrows में छुप जाते हैं. burrows means bill, hide means छुपना, वो burrows में छुप जाते हैं. toads have poison glands on their skin. poison means जहरीली, glands means ग्रंथियाँ. तो toads जो होते हैं उसकी स्किन जो होती है त्वचा पर क्या होती है, विषैली ग्रंथियाँ होती है, जहरीली ग्रंथियाँ होती है. While many insects have poisonous stings. While many insects, जबकि ऐसे कई insects होते हैं जिसमें poisonous stings means जहरीले क्या होते हैं, डंक होते हैं. Snails withdraw into their cells while many insects play dead. Snails जो होते हैं उसकी पीठ पर क्या होता है, घुमावदार सेल खोल होता है जिसकी मदद से वह किसी भी तरह के खतरे का आभास होने पर वे इसमें क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं. But of all the skills used for protection, the most interesting perhaps is camouflage. Animals जो होते हैं वो उसमें जो skills जो होती है उनका used protection, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो अपनी skill का used करते हैं. Camouflage means छलावरण, अपने परिवेश में घुल मिलकर छिप जाना. धोखा देने वाला आवरण means छलावरण. इस पिक्चर को देखिए कि ग्रासहॉपर एंड लीव्स जो है उसके दोनों के कलर क्या होते हैं, ग्रीन कलर होता है. मींस ये दोनों इतने घुल मिल जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है कि लीव्स के ऊपर ग्रासहॉपर बैठा है. मींस बहुत से जानवरों ने अपने आप को बचाने के लिए अनेक तरीके सीख लिए हैं. मीन्स जो दिख जाते हैं वो जानवर मारे जाते हैं एंड जो परिवेश में घुल मिल जाते हैं वो बच जाते हैं. वो अपने परिवेश में इतने घुल मिल जाते हैं कि वो नज़र से ही गायब हो जाते हैं. कैमोफ्लाज मीन्स ब्लाइंडिंग विथ द सराउंडिंग्स. कैमोफ्लाज का मीनिंग है कि परिवेश के साथ घुल मिल जाना. Many insects are very good at these tricks. Many insects, ऐसे बहुत सारे insects होते हैं कि जिसमें इतनी अच्छी tricks होती है कि वो परिवेश के साथ वो अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं. They blend with the leaves, grasses or trees trunks where they move about. Where leaves, grasses and trees की ट्रंक जो होती है उसके साथ वो ब्लैंड, वो उसके साथ इतने घुल मिल जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पे कुछ है. सम एक्चुअली लुक लाइक लीव्स और ट्विग्स. कुछ तो वास्तव में लीव्स मीन्स पत्तियाँ एंड ट्विग्स मीन्स टहनियों की तरह दिखते हैं. मीन्स कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षित रखने के लिए इतना वो अपने परिवेश के साथ घुल मिल जाते हैं कि वो नज़र ही नहीं आते हैं, जिससे वो अपने एनिमीज अपने दुश्मनों से वो बच पाते हैं. यहाँ हमारा चैप्टर 8 पूरा होता है.